वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने अपना काम कर दिखाया। अली बिलाल उर्फ जिले शाह के वालिद का अहम बयान आ गया। पीटीआई कारकुन बिलाल के जाबहक होने के मामले पर कहानी में नया मोड़। अब से कुछ देर कबल उस वक्त आया जब मकतूल कारकुन के वालिद लियाकत अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाने में जो दरख्वास्त जमा कराई वो परेशानी के आलम में लिखी थी, जिससे दस्तबरदार हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर किसने तशद्दुद किया, मैं नहीं जानता और न ही चश्मदीद गवाह हूँ। इसलिए वजीर आला पंजाब मुहसिन नकवी, आईजी, डीआईजी समेत किसी पुलिस अहलकार को मुकदमे में नामजद नहीं करना चाहता। मुझे कल अल्लाह के हुजूर पेश होकर जवाब देना है। इससे कबल आज सुबह फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया था कि इंसाफ वकला विंग के मुताबिक अली बिलाल शहीद के वालिद को कल जनाजे के बाद अगवा कर लिया गया है और वो और इनके खानदान के लोग पुलिस की हिरासत में हैं। अब वही होगा जो होता है कि पुलिस की हिरासत से एक वीडियो आएगी कि हमने मोहसिन नकवी और पुलिस को माफ किया, लेकिन ये मुल्क उनको माफ नहीं करेगा। अली शाह के वालिद के बयान को फवाद चौधरी ने शेयर करते हुए ट्वीट किया कि जैसा कि मैंने सुबह पेशगोई कर दी थी, खुदा तो मौजूद है।